नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत के अपराध लाइट न्यूज चैनल। बढ़ते हैं इस वक्त की खबर की और कोटा से। कोटा के वार्ड नंबर 44 में हुआ सैनिटाइजर, पार्षद लेखराज योगी के द्वारा किया गया सैनिटाइजर। कोटा राज्य में फैल रहे कोरोना महामारी के चलते आज शहर भर में राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कई कार्य किए गए, जिसमें कोटा शहर के वार्ड नंबर 44 के लेखराज योगी के आदेश अनुसार वार्ड के विभिन्न क्षेत्रों में इस महामारी के चलते आज सैनिटाइजर किया गया। वही समय समय पर नालों की साफ सफाई भी की जाती है। आज कोटड़ी शाही जामा मस्जिद, गोही मोहल्ला, मोती महाराज मंदिर, पठान बाबा की दरगाह, शमा कॉलोनी आदि में समाज सेवी और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के यासीन भाई मनोज कुमार द्वारा से मस्जिद के अगर अपने मस्जिद रोड पे वार्ड 44 में हर आदमी को, जैसे गरीब आदमी है, उनकी अंडरग्राउंड सहायता करने के लिए उनको ये पता भी नहीं लगेगा किसी से हम सहायता कर रहे हैं। मोहम्मद यासिन ने लेखराज योगी से बात किया, वार्ड 44 के प्रत्याशी से मैंने सैनिटाइज करवाए दिए हैं। तो यासिन भाई, मशीन आ जाएगी, आप तैयार रहो। हमने तुरंत मशीन में अपने वार्ड 44 में मस्जिद के सामने हर वार्ड में करके अपने जो मंदिर है, अपने प्रधान साहब बाबा इधर भी अपने सैनिटाइज की है। मोहम्मद यासिन, ये सैनिटाइजर कहाँ किया गया आपने? वार्ड नंबर 44 में अपने मस्जिद चौक से मस्जिद रोड, खतरों की मस्जिद के पीछे, क्लिक नगर और पूरा कोल्डी कोई मोहल्ला सब सैनिटाइज करा गया है। वार्ड नंबर 44, क्या नाम है? मनोज नाम है सर। कहाँ, किस किस गली में, किस किस मोहल्ले में क्या हुआ? अपने ये बाटी चौक बोई मोहल्ला, एक खटिक मोहल्ला और अपने खतरों की मस्जिद की तरफ पूरी गलियाँ पूरी सैनिटाइज कराई गई। और आगे क्या प्लानिंग है इसकी सैनिटाइज की? आगे भी करते रहेंगे सर। क्या नाम है आपका? मनोज नाम सर। ठीक है, वार्ड नंबर किस से क्या? वार्ड नंबर 44, लेखराज जी, लेखराज योगी के निर्देशन में हुआ सारा। बिल्कुल सर, ठीक है सर।